सो फ्रेंड, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताना हो कि आप कैसे आप अपने आईफोन में दो व्हाट्सएप चला सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्टूडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप आईफोन में दो व्हाट्सएप को बहुत ही ईजी वे में, वो भी पूरी तरीके से लीगल तरीके से, आप कैसे व्हाट्सएप को चला सकते हो। यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप या फिर फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ये वाला जो तरीका है वो मैं एंड्रॉयड पे भी बिल्कुल सेम अप्लाई होगा, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका iOS में, मतलब आईफोन में आपको बता रहा हूँ। सो सिंपली आपने दो व्हाट्सएप चलाने के लिए आप पे आपको कोई ऐप क्लोनिंग नहीं कर लेना है करना है ना ही कोई आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करते हो क्लोनिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पर क्या है ना, आपका जो भी मोबाइल होता है उस मोबाइल को हैंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब उस पर ऐड इतने आते हैं कि आपको आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे आप देखिए, सो सिंपली आपने ऐप स्टोर पे जाना है। ऐप स्टोर पे जाने के बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप आपका एक ये है, आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट्सअप मैसेंजर। आप सिंपली यहाँ पे एक देखेंगे, आपको एक व्हाट्सअप मैसेंजर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो ऑफिशियली आपके मोबाइल में हो गई होगा, चाहे वो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो चाहे वो iOS यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने एक और व्हाट्सअप डाउनलोड करने के लिए, जो कि आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे ही मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो डाउनलोड कर लेना है ना, यहाँ पे आपको बिजनेस व्हाट्सअप डाउनलोड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बिजनेस व्हाट्सअप, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, मैंने उसे भी इंस्टॉल किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक था व्हाट्सअप एक था बिजनेस व्हाट्सअप। तो चलिए मैं पेज को थोड़ा सा नीचे करके आपको वो वाला भी व्हाट्सअप दिखा देता हूँ। जैसे कि व्हाट्सअप बिजनेस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है व्हाट्सअप मैसेंजर। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इन दोनों को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप इनमें दो नंबर है आपके मोबाइल में, डुअल सिम है आपका, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप यहाँ पे दोनों सिम से अगर आप चलाना चाहते हो व्हाट्सएप, तो आप बहुत ही आसानी वे में आप चला सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल्स फर्स्ट वाले पे मैंने साइन अप किया हुआ, मतलब लॉगिन किया हुआ है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये वाला तो जो है वो ऑफिशियल व्हाट्सअप मैसेंजर है। वहीं पे दूसरे वाले की अगर हम बात करें, तो आपका दूसरा वाला यहाँ पे आपको व्हाट्सअप बिजनेस देखने को मिल रहा है, जिस पर एक क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जिस भी नंबर से आप बनाना चाहते हो, एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। और आप जैसे ही वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, तो वहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप पे अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा, OTP वगैरह आपके अकाउंट पे आएगा, तो आप बहुत ही आसानी वे में यहाँ पे आप बना पाएंगे। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे आईफोन में आप एक व्हाट्सएप के साथ साथ एक और व्हाट्सएप चला सकते हो, वो भी पूरी तरीके से इलीगली और बहुत ही आसानी वे में। यहाँ पे आपने जो भी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म किया, ये आपका iOS में किया है, सेम इसी तरीके से आप एंड्रॉयड में भी परफॉर्म करके एंड्रॉयड में भी ये सब सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप आईफोन में कैसे दो व्हाट्सएप चला सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।